Very good morning to all. In the previous video, I have already discussed about the operating system. So now we will continue about this third lesson. And today in this video, we are discussing about the different types of operating systems. So here, first we will discuss about the single tasking operating system. So what is the means of single tasking operating system? So in this type of operating system has perform only a one task at a one time. So here the definition is that a single tasking operating system execute one task at a time, means real time. जैसे जो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, कोई भी अगर हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो केवल एक ही टास्क परफॉर्म होगा. मीन्स अगर हम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो केवल एक ही एप्लीकेशन पे वो क्या होगी, रन होगी. इट डज नॉट अलाउ लॉन्चिंग अ न्यू टास्क अंटिल द टास्क एट हैंड इज नॉट फिनिश्ड. मीन्स जैसे वायदा भी अगर हमें अनदर टास्क ओपन करना है या अनदर एप्लीकेशन ओपन करना है तो वो एप्लीकेशन तब तक ओपन नहीं होगी, मीन्स न्यू एप्लीकेशन जब तक ओपन नहीं होगी जब तक कि हमारी जो प्रीवियस टास्क है उसको हम फिनिश नहीं कर लेते हैं या उसको क्लोज नहीं कर देते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर हम बात करें जैसे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कहाँ पे यूज करते हैं, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका जो मेन बेस्ट एग्जाम्पल है वो है डॉस. डॉस के अकॉर्डिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैज परफॉर्म ओनली अ वन टास्क एट अ सिंगल टाइम. So here the example of such operating system is disk operating system from IBM and Microsoft. Means जो IBM Microsoft होते हैं तो उसमें disk operating system एक ऐसा operating system है जो केवल क्या करता है, केवल एक task को या एक application को ही ये क्या करेगा, start करेगा. और जब तक वो start रहेगी application जब तक कि हम उस application को means close नहीं कर देते हैं या बंद नहीं कर देते हैं. So here another example like this means Windows 95 in 18s या early 19 means 18 और 19 से पहले के जो भी सिस्टम होते थे वो सारे सिस्टमों में किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज परफॉर्म बाय अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ओनली अ सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ वी विल मूव टू द अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. Now here the another type of operating system is multitasking operating system. So this type of operating system are mostly is used in a present time. So here the example of multitasking operating system jaise ki Windows 8, Windows 10, ya fir Windows 7 ya Windows XP. And the latest operating system is now means Windows 11.1. It is the latest operating system. So all these type of operating system has performed via the multitasking operating system. So here what is the means of multitasking operating system? Means so in this type of operating system has performed a multiple task at a single time. Means suppose that if you want to play a movie or fir music in the background of the so you can start the any music file in the background process and you can work the another application like MS Word or MS Paint. So this is a process will be done by the both process are done. So here a multitasking operating system handles more than one task at a time. Means multitasking operating system ke according hum kya kar sakte hain ki means एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क को ओपन कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें एक साथ एमएस वर्ड पे काम करना है और हमें हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड में हमारा म्यूजिक प्ले हो तो उसके अकॉर्डिंग हम एक साथ में म्यूजिक प्ले भी कर सकते हैं और साथ में एमएस वर्ड पे भी काम कर सकते हैं. और अगर बाय द वे अगर हम डिफरेंट अनदर जैसे अगर हमें हम चाहते हैं कि हमारा नेट का यूज करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में या फिर जो भी हमारा कंप्यूटर होगा उसमें हम एक अनदर टैब ओपन कर सकते हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स. तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे हम मल्टीपल टास्क ओपन कर सकते हैं और उन पे अलग अलग मींस काम कर सकते हैं. सो यूजर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली. मींस जो यूजर होता है वो क्या करता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है. सो ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स सो हियर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फैमिली. सो हियर दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फैमिली. देयर हैव different types of operating system. So the first operating system is Windows XP, then after Windows 7 has launched, then Windows 8, Windows 10 and Windows NT. And if we will talk about the Unix or if Linux based operating system, so here the Unix and Linux based operating system is Apple, Mac OS or iOS. So these all are
ऑपरेटिंग सिस्टम हैज परफॉर्म मल्टीपल या फिर मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड परफॉर्म मैनी टास्क एट अ सिंगल टाइम. सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज कॉल्ड द मल्टीपल या फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. देन आफ्टर द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ओनली वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर वट इज द मीन्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस टाइप के जो सिस्टम होंगे उसमें केवल एक ही यूजर क्या करेगा, काम कर सकता है. तो अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो हियर एमएस डॉस या आईबीएम डॉस, विंडोज 95 या विंडोज 98, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज परफॉर्म ओनली 1% एट अ वन टाइम. एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, सो हियर द डेफिनेशन इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू वर्क एट द सेम टाइम. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल या फिर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर द सम एग्जाम्पल आर गिवन. सो यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज एनटी, एक्स विंडोज सिस्टम एंड एमबीएस ऑपरेटिंग सिस्टम आर परफॉर्म अ मल्टी टास्क या फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैव परफॉर्म मल्टीपल यूजर कैन वर्क एट अ सिंगल टाइम. सो दैट्स वाई इट इज दिस इज कॉल्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. Now after that we will discuss about some other type of operating system. So here the other type of operating system is, so here the first operating system is real time operating system. So according to the real time operating system has perform some activities within a specific time. So according to the real time operating system here definition is given. So such operating system are used to control the activities which need to be done precisely at a given specific time. So according to the definition, तो इस definition के according क्या होता है, means operating, कुछ ऐसे operating system होते हैं जहाँ पे जिसका हम प्रयोग करते हैं, जहाँ पे कुछ activities हो रही हैं और उन activities को हमें perform करना है या फिर finish करना है at a जो भी हमारा specific time ने allotted किया है. Means हमें specific time में हमारी जो activities है वो perform हो जाए. तो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, रियल टाइम की वैल्यू को फेच करते हैं. तो हियर सम एग्जांपल आर गिवन. सो लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इन द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट एट अ प्रेशियस टाइम इंटरवल. मींस अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करते हैं, जैसे जो भी हमारे सैटेलाइट्स होती हैं अगर हम उनको लॉन्च करते हैं जो कि हमें सिचुएटेड करनी पड़ती हैं एक जो भी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, तो उसका जो एक एक्चुअल टाइम होता है स्पेसिफिक टाइम, मीन्स हमारी जो स्पेसिफिक टाइम में हमारी सैटेलाइट उस ऑर्बिटल में क्या हो जाए, प्लेस हो जाए. तो ये हमारा किसके थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन हैंडहेल्ड डिवाइस लाइक सेलफोन एंड टैबलेट पीसी. तो अकॉर्डिंग टू द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे हैंडहेल्ड डिवाइस होते हैं जिसको हम इजिली आसानी से क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं विद इन अ हैंड. तो ये सारी डिवाइस को हम जो जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इसमें मोबाइल में, तो वो होता है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर सम एग्जांपल आर गिवन. आईफोन में क्या होता है, मींस जो भी हमारे आईफोन होते हैं तो उनमें आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा जैसे, और जो भी हमारे एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो भी हमारे सैमसंग हुआ या फिर वीवो या फिर ओप्पो, तो ये सारे मोबाइल्स में हम किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंड्रॉयड OS. तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस इज अ सम एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बेस्ड ओनली अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ आफ्टर दैट द अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मल्टीपल कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क एंड मैनेज यूजर्स एंड रिसोर्सेज ऑन देम. तो इस अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा जितने भी हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ओवर अ नेटवर्क के थ्रू. मीन्स अब नेटवर्क हमारा क्या हो सकता है, लैन हो सकता है या फिर वैन हो सकता है या फिर जैसे लैन वैन मैन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग जब भी हम सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्टेड करते हैं तो वो उनको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, तो इस टाइप के जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलेंगे
distributed operating system. So here some example are given of distributed operating system means Windows Server, Linux Server, Ubuntu and MOPI. तो ये जैसे अगर हम विंडो सर्वर के अकॉर्डिंग जैसे हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है होगा तो हम उसमें विंडो सर्वर इंस्टॉल करेंगे. अगर हमारे पास जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैक ओएस, तो मैक ओएस के लिए हम किस टाइप का ऑपरेटिंग जो हमारा सर्वर रहेगा उसको हम बोलेंगे लिनक्स सर्वर. तो लिनक्स सर्वर क्या करेगा, मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी रिसोर्सेज होंगी डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग उन कंप्यूटर उन रिसोर्सेज को हम इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर पे हम एक्सेस कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं. तो ये किसके द्वारा पॉसिबल होता है, वो हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.